अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन, कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। क्योंकि आजकल जो खास खबरें ये हैं कि इसरो ने जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च करा है और अभी वो सक्सेसफुली तो जा ही रहा है, चंद्रयान 2 में हमने देखा कि कहीं पर प्रॉब्लम आ गई। इन सब चीज़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर गौहर अज़हर। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अपने चैनल को दिलाने। मैं सर पहले इसी पे बात करूँगा। हम इस वक्त देख रहे हैं कि जिस तरह की अभी चंद्रयान 3 ने जो पहले जो पिक्चर्स भी भेजी हुई थी, तो पूरा मुल्क जो है वो खुशी से भी इस वक्त झूम रहा है कि सक्सेसफुली होपली लैंड भी हो जाए। आप इस सारी प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं? चंद्रयान 2 तक हमने देखा कि उस वक्त कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो जा नहीं पाए, अभी सक्सेसफुली लैंड होपली हो रहा है। अभी तक जो कुछ हुआ है वो बहुत ही प्रसाइज रहा है, बहुत ही सही तरह से हर चीज़ में काम किया है। जो खबरें आ रही हैं इसरो से वो ये बताती हैं कि जब यहाँ से लॉन्च हुआ तो परफेक्ट था, जब हमने ऑर्बिट बढ़ाना शुरू किया, जो 5 बार ऑर्बिट को बढ़ाया है अर्थ के अराउंड, वो बिल्कुल सही और प्रिसाइज था। इसकी मास्टरी हमें पहले भी थी। हमने जब ट्रांसफ़र किया ऑर्बिट चांद की तरफ तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट था, और जिस तरह से प्लान किया गया था कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे चांद के ऑर्बिट में, वो भी परफेक्ट रहा। अब आप ये सोचिए कि यहाँ से लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने अचीव की। ज़ीरो स्पीड है, 40,000 पे गए, 40,000 के बाद उसको एडजस्ट किया, बढ़ाते गए ऑर्बिट को, फिर ट्रांसफ़र ऑर्बिट में आए, फिर उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया उसे, फिर अब घटानी है ये स्पीड। पहले बढ़ानी ज़रूरी थी और अब घटानी बहुत ज़रूरी है, तो धीरे धीरे घटा रहे हैं ऑर्बिट को। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव स्पीड एक चीज़ होती है, यानी धरती घूम रही है, चक्कर लगा ही रही है, उसके चारों तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को चक्कर लगाने को कह रहे हैं, भेद रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड। अब चांद पे उतरने के लिए हमें फिर ज़ीरो करनी पड़ेगी, और जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाता है वैसे रिलेटिव स्पीड कम होती जाती है। ये एक साइंस का रूल है, इसको मैं समझा नहीं रहा क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। तो चांद पर जब इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, तो भी वो रिलेटिव स्पीड जो है वो ज़्यादा से अब बढ़ती जा रही है। तो यूँ सोचिए कि उल्टा हो रहा है, जो हम चाहते हैं उसका उल्टा हो रहा है। स्पीड तो हमें फाइनली लगभग ज़ीरो करनी है ताकि उतर सके, रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में, ऐसा नहीं कि चांद बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रहा हो और हम उससे जाके टकरा जाए। हमें तो दोनों की स्पीड बराबर ज़ीरो करनी है। तो जब दोनों की स्पीड को ज़ीरो करना है तो वो बढ़ती जा रही है, अब उसे घटाना है। तो वहाँ पर जब फायर करेंगे हम इंजन्स को, तो उनका मकसद होगा कि वहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक तो काम करे, यानी उसको उतरना है, वो बहुत तेज़ी से चांद की तरफ जा रहा है, अब उसकी स्पीड धीरे धीरे घटानी है। तो एक स्पीड तो ये, दूसरी वो चक्कर लगा रहा था, तो एक स्पीड उसके चक्कर लगाने की, वो चक्कर लगाने की स्पीड भी हमें कंट्रोल करनी है। यानी तीन डायमेंशन में एक्स वाई जी, तीनों डायमेंशंस में हमें स्पीड को कंट्रोल करना है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑपरेशन होने जा रहा है। अब एक चीज़ और सोचनी चाहिए हमारे दर्शकों को, ख़ास तौर से सुनने और देखने वालों को, कि जो रोवर है उसका वेट यहाँ के हिसाब से 26 किलो, वहाँ के हिसाब से इसका 1/4 हो जाएगा लगभग। तो अगर 26 केजी है तो हमने उस 26 केजी को भेजने के लिए सब कुछ इंतज़ाम किया, वो 26 केजी सही तरह से उतर जाए, जो हमारे लैंडर की शिकम के अंदर वहाँ पर वो सही तरह से उतरे, सारे जो उसने एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वाइब्रेशन, ये एक्सट्रीम प्रेशर झेले हैं, यानी या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम प्रेशर है,
बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री है, तो ये सारी कंडीशंस में उसे जिंदा रहे। अब वो जो 26 किलो का रोवर है, वो पहली बात तो ये है कि दरवाज़ा खुले, रैंप प्राइमरी और सेकेंडरी दो रैंप हैं, वो सही तरह से बाहर निकले। वो बाहर निकल के रोवर जो है वो अपना काम पूरी तरह से करना शुरू कर दे। और इसके साथ साथ ज़रूरी बात ये है कि उसका ताल्लुक कम्युनिकेशन का लैंडर के साथ रहे, क्योंकि वो डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट करेगा, वो लैंडर से बातचीत करेगा। जब वो लैंडर से बातचीत करेगा तो लैंडर ऊपर ऑर्बिटर जो है उसके साथ बातचीत करेगा। प्रोपल्शन यूनिट है तो अब हमारे पास दो बातचीत करने वाले हैं। जो पुराना चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो काम कर रहा है, परफेक्ट है वो बिल्कुल, और उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी है। तो ये दो कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास अब यहाँ से आगे खुल जाते हैं। एक बात और समझना ज़रूरी है आज के दिन कि जब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की, तो 40,000 किलोमीटर 9,000 किलोमीटर बराबर की लगभग स्पीड जो यहाँ से हमने अचीव की, फिर उससे हम चलते रहे, फिर वहाँ उतर रहे, वहाँ से और यहाँ तक एक रेडियो सिग्नल को आने में लगभग 2 से 2.7 सेकेंड लगे। यानी अगर हम यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो लॉस जो है वो हमें 4 सेकेंड का लॉस, 4 सेकेंड में तो कुछ भी हो सकता है, इतनी स्पीड्स इतनी कंडीशंस ऐसी हैं वहाँ पर। जो चांद की सरफेस है उसमें बड़े उबड़खाब है, धरती से कहीं ज़्यादा उबड़खाब है, हमारी ज़मीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उबड़खाब है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ एनवायरनमेंट तो था नहीं, हवा थी नहीं, तो जो यहाँ हमें चमकने वाले सितारे दिखाई देते हैं, शाहब साहब के उर्दू में कहते हैं हम उनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं, अंग्रेजी में आम भाषा में मिटीरियोइड्स कहते हैं उनको, या बड़े ऑब्जेक्ट्स, वो चांद से सदियों से टकराते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से टकराते हैं, तो उनकी वजह से वहाँ की सरफेस बहुत उबड़खाब है। और उसमें बड़े सारे छेद हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो अभी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, साइंटिस्टों के लिए तो वही कहानियाँ हैं खूबसूरत, वही किताबें हैं खूबसूरत, और वही शायरी है खूबसूरत उनके लिए। तो वो खूबसूरत तस्वीरें जो आई हैं वो हमें ये भी बताती हैं कि जब हम उतार रहे हैं तो हमें सही जगह पे उतार, हम किसी पिट में फंस जाएँ, हम किसी ऐसी जगह पे फंस जाएँ जहाँ एक टांग बहुत ऊंची हो जाए, एक बड़ी सी रॉक है उसके स्लोप ज़रूरत से ज़्यादा है जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हमारा लैंडर, तो ये सारे खतरे वहाँ मौजूद हैं। हाउ डू यू सी, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल ठीक जा रहा है, तो व्हाट डू यू सी कि होपफुली क्या वो मतलब चांद पे भी लैंड पे वो सेफली करेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपने कही बट इन बिटवीन लाइन्स हम क्या समझें कि क्या और कुछ इसमें हो सकता है। ये सवाल सिर्फ आप नहीं हर साइंटिस्ट के दिल में होगा, जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनके दिल में भी ये सवाल है। साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से जितने फैक्टर्स हो सकते हैं, और इसमें हज़ारों फैक्टर हैं, मैंने कुछ फैक्टर्स बताए कि स्पीड का है या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का, हज़ारों फैक्टर्स हैं वहाँ की सरफेस बताए, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको वी हैव टेकन इनटू अकाउंट, पूरी कोशिश की है कि इन सारे फैक्टर्स को ओवरकम करके हम सॉफ्ट लैंडिंग करा करके रोवर को बाहर निकाल करके और रोवर की बैटरीज को ऑपरेट करके उसे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार करके यहाँ से भेजा गया है। साइंटिफिक मिशन में हमेशा फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है, ज़ीरो कभी नहीं। हम जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती है, हो ही नहीं सकता अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ। लेकिन उसकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है,
तो सक्सेसफुल करने की प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ाते रह सकते हैं। इस बार जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस था, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसके मुकाबले में हमने जो फेलियर पॉइंट्स हैं वो बहुत कम हैं। ये बात आम लोगों को तो नहीं पता है होगी कि इससे ज़रा पहले हमारा एक और इंसान ने भेजा था, रूस से भेजा था, वो फेलियर हो गया उसके अंदर। तो उस वक्त मेरा ये मानना है, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसरो के सारे साइंटिस्ट ने सब कुछ एक बार फिर से कैलकुलेट किया, सारी जो प्रोग्रामिंग है उसको एक बार फिर से चेक किया, अपना जो कुछ लक्ष्य तक पहुंचने की बात है उसको सब कुछ रिवाइज किया होगा, सब कुछ एक बार फिर से देखा होगा। फेलियर से हम हमेशा सीखते हैं। फेलियर हमारे लिए साइंस की जबान में फेलियर नहीं, वो सीखने का और आगे बढ़ने का एक रास्ता। जो चीज़ें हमें नहीं आती थी वो हम सीखते, क्यों फेलियर हुआ, ये बहुत बड़ी सीख होती है, ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट होता है साइंस के लिए। जाहिर है कि वहाँ पर हमने पटाखे तो नहीं छोड़ाए जाकर के चांद के ऊपर, तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने ऑर्बिटर से लैंडर को निकाला, निकालने के बाद उसको नीचे लेकर के आए, उसकी स्पीड को कम किया, ये सब कुछ किया, तो हम हर कदम के ऊपर सीख रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ नया काम है। जो सीख रहे हैं उसकी बेसिस पर जब रीडिज़ाइन किया तो वो सारे फैक्टर्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हिच कॉस्ट द विद इन कोट्स फेलियर। दो बातें की गई हैं इस बार जो बड़ा डिफरेंस है, एक तो जो लैंडिंग स्पीड है उसको घटाया, पहले 3 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड थी, जो लगभग आप समझिए कि 15 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वर्कआउट होगी, इसको घटा करके 2 किलोमीटर पर सेकेंड किया है, जो लगभग 7.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो पहले सीखा हमने तो वो स्पीड ना रख करके उसको कम करके ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, जो एरिया स्कैन कर रहे थे कि कहाँ उसको लैंड करना, उस एरिया को बढ़ाया गया, यानी हमारा स्कैनिंग एरिया के कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे वो उतरे और वो डिसाइड करे कि यहाँ सेफली उतरा जा सकता है, उस एरिया को बढ़ाया गया। तो मैं समझता हूँ और मेरी दुआ भी कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा और एग्जैक्ट वक्त के ऊपर उतरेगा, जैसा हम कह रहे हैं वहाँ सुबह हो रही होगी और ये 14 दिन तक काम करेगा। ओके, तो एक तो जो हमने आज भेज दिया, क्योंकि इसके बाद और एक मिशन है, फिर वो कह रहे हैं कि शायद स्पेस में किसी इंडिविजुअल को भी भेजने की वो कोशिश, सारी प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे क्या ऐसी चीज़ें हैं इसरो में, जब हम नासा को देख रहे हैं वो तो अलग से जो उनका चल रहा है, इसरो में हम लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि कौन सी खामियां हैं, नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली बट मैं एज एन इंस्टीट्यूशन पूरी उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। क्या ऐसी खामियां जिनकी चीज़ों की हमें ज़रूरत और है, जो पहले नहीं हो पा रही थी अब हो पा रही हैं या और मजीद करने की ज़रूरत है, ताकि साइंटिफिकली हम लोग भी, अगर नासा वहाँ तक पहुँच सकता है जो वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम भी कर सकते हैं। एक बात समझनी चाहिए इसमें कि जब हम अपनी प्रोब्स भेज रहे हैं, अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं, अपने कैमराज भेज रहे हैं, इस तरह का मटेरियल भेज रहे हैं, तो इसमें ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी स्टेक पे नहीं। जब हम यहाँ से एक बड़ा कदम उठाते हैं कि हम ज़िंदगी भेज रहे हैं, तो जो कुछ वहाँ पर है अभी तक हमने सीखा है उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि मटेरियल कौन सा वहाँ ठीक रह सकता है। हम इसीलिए सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट्स भेज पा रहे हैं, हम इसीलिए चांद तक आज जा पा रहे हैं या मार्स तक जा पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो मटेरियल सारे डेवलप कर लिए जो वहाँ सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को, जो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब हम ज़िंदगी का सवाल आता है तब फिर हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, फिर हमें वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्यूमुलेट हो जाएगी ज़्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ख़त्म हो जाएंगे, हमें उसको भी रिप्लेस करते रहना है लगातार।
हमको खाने का भी इंतज़ाम करना है, और खाना वो नहीं हो सकता जो हम धरती पर खा रहे हैं, यानी किसी रेस्टोरेंट पर रुक करके डोसा ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, या अगर कश्मीर में हैं तो आप रिश्ता और कबाब का इंतज़ाम नहीं हो सकता ना, तो खाना भी बिल्कुल अलग होगा। ये बहुत बड़ा जंप है। इस जंप के लिए हमारे पास नॉलेज सारी, क्योंकि हमारे पास नासा का एक्सपीरियंस है, हमारे पास और मुल्कों का एक्सपीरियंस है। हमसे पहले 3 मुल्क ऐसे हैं, हम चौथे मुल्क हैं जो स्पेस प्रोग्राम में सबसे आगे हैं बाकी दुनिया के देशों को। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो थियोरिटिकली हमें जानना ज़रूरी है, वो तो साइंस हमें बता रही है। उसमें भी बहुत कुछ छुपाया जाता है एक दूसरे से कि साइंस में किस तरह से, पर हमें वो सारे मटेरियल तैयार हैं। तो जब हम उनकी तैयारी कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का सवाल होता है, उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में टाइम। हमारे मुल्क में हम ये देख रहे हैं और सामने की बात है कि एक बड़ा हिस्सा देखता साइंस से जुड़े साइंटिफिक टेम्पर से, एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो मुल्क में उसे कहना चाहिए एंटी साइंस, जो सुपरस्टिशंस फैला रहा है, भ्रांतियां फैला रहा है, मिथ्स फैला रहा है, साइंस से अवाम को दूर हो रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि एक आइलैंड है इसे, इस बड़े मुल्क में जहां आज के दिन भी सारे टेलीविज़न चैनल पूजा पाठ दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि उनमें से किसी एक की भी हिम्मत नहीं है कि वो सीवी रमन की पूजा दिखाएं, या इसरो का सवाल है आज तो सारा भाई को दिखाएं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं। बीच बीच में वो हर जगह और ज्योतिषियों को बिठाए, ऐसे माहौल में इसरो काम कर रहा है। इसरो के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उसका मॉडल जो है वो तिरुपति भेज दिया जाए। इस माहौल के अंदर एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारे बजट्स, क्योंकि हम बेहद दौलतमंद मुल्क होने के बावजूद गरीब हैं, एक तरफ तो बेहद अमीर हैं और दूसरी तरफ मुल्क गरीब, ऐसे में इसरो के पास हमेशा ही फंड्स की कमी है। कितना भी क्लेम करें जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि हमने फ्री हैंड दे रखा है, हमने ये कर रखा है, नहीं हो सकती। तो हमारे पास मटेरियल, नॉलेज की एप्लीकेशन को समझने वाले लोग, और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स करके और फेलियर्स, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, फेलियर की हिम्मत रखने वाले लोग पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि आप 100 एक्सपेरिमेंट करेंगे उनमें से एक सक्सेसफुल होगा तब आप कहेंगे कि चलो अब इसका इस्तेमाल किया जाए। ये चीज़ है जो हमारे यहाँ इसरो हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और शोबे हों उनको पीछे रखे। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बाद शोबों की बात की, आप खुद भी इसी फील्ड में हैं, आप पढ़ाए भी, लेकिन जब हम देख रहे हैं इस वक्त जहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर की भी बात हुई, नॉर्थ की तरफ जब हम देख रहे हैं बहुत कम है, जबकि साउथ में हम देख रहे हैं कि वो फैल रहा है साइंटिफिक टेम्पर, और वहाँ के हम साइंटिस्ट देख रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज यहाँ पर है, वही तो साउथ डाउन साउथ में भी है, लेकिन वहाँ पे हम इसका दूसरा पहलू देख रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरा देख रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग इन दिस प्रोफेशन जहाँ पे आप पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ इसकी वजह है कि वो अलग अलग हो रहा है? 2-3 चीज़ें हैं, अगर इसको हम देखें तो ये बहुत पेचीदा मसला है। साउथ के में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत पहले टूट गया था, जो कास्ट सिस्टम है वो नॉर्थ में बेहद आज भी मजबूत है। फ्यूडल वैल्यूज़ बेहद मजबूत हैं यहाँ पर, वहाँ पर वो फ्यूडल वैल्यूज़ टूट गई थी। वहाँ पर ज़्यादा लोग एजुकेटेड रहे,
इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एजुकेशन जो है वो हर तरह की एजुकेशन जो है वो प्रोग्रेसिव बनाती है लोगों को। आजकल उसके ऊपर बहुत डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर ख़ासतौर से कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। लेकिन ये कि एक प्रोग्रेसिविज्म जो आता है सोशल स्ट्रक्चर को बदलाव के अंदर बदलाव के साथ, वो एजुकेशन को अगर सपोर्ट कर रहा है तो एजुकेशन प्रोग्रेसिव दिमाग पैदा करती है, ब्रेन पैदा करती है। नॉर्थ में ऐसा नहीं, नॉर्थ में रिफॉर्म मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे। ब्रह्म समाज का मूवमेंट है एक जो चला, वो बहुत छोटी सी पॉकेट में ख़त्म हो गया। उसके बाद का दो चार और आपके पास मिसालें हैं, कुछ ज़्यादा मिसालें मिलती नहीं हैं यहाँ पर नॉर्थ में रिफॉर्म मूवमेंट की। इन हालात में एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का कंकॉक्शन तैयार हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे में, ख़ासतौर से पॉलिटिक्स में, धर्म को मज़हब को घुसाने। अगर आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां धर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाए और पॉलिटिक्स धर्म का हिस्सा हो जाए, वहां पर अच्छी एजुकेशन पनपना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जहन को आपने जकड़ लिया। हो सकता है ज़िंदगी में लोगों की मज़हब का एक मुकाम होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब वो मज़हब मिक्सचर बन जाता है और सारी चीज़ों के साथ, यानी आप साइंस पढ़ाते हुए भी उसको घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में भी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जुडिशरी में भी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में भी उसको घुसाने, इन सारी चीज़ों से जो माहौल पैदा होता है वो नॉर्थ में इंडिया में हमें उसका बहुत भयानक रूप दिखाई देता है। आखिरी चीज़ जो कहने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी ऐसे मुल्क में, किसी भी ऐसे समाज में साइंस पनप ही नहीं सकती अच्छी तरह से जिसमें हिंसा हो, वायलेंस हो, लोग मार खाते हैं। हमें नॉर्थ में लगातार ये दिखाई दे रहा है, ईस्ट में दिखाई दे रहा है, कश्मीर से लेकर के और राजस्थान तक का जो एरिया है, वहाँ से आप लकीर खींचें राजस्थान के बॉर्डर से और कश्मीर के टिप तक चले जाएं, वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि लगातार वायलेंस बढ़ाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इल्म बैक स्टेज पर चले ही जाओ, जो नॉर्थ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ कहीं ज़्यादा पीसफुल है। तो मुर्गी और अंडे वाला मामला है कि पहले अमन चयन होगा या पहले अच्छी एजुकेशन होगी, या पहले अच्छी एजुकेशन दें तो अमन चयन होगा, ये मेरा मानना यह है कि दोनों साथ हाथ एक दूसरे का पकड़ के ही आगे बढ़ते हैं।